गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम वेरी इफिशियंटली। सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक मोमेंट एंड इट्स टाइटल इज द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी फेमस एज वेल एज इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on the horses, others sat, being carried in a bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over life and laughter. So this is paragraph 1. Let's understand what the author wants to convey. एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह खुश और उत्साहित है और वहाँ रखे खिलौने और मिठाइयों को लेना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उन्हें उसके लिए नहीं खरीदते हैं। तब वह क्यों उन खिलौनों को लेने से मना कर देता है जब कोई और उसे ये खिलौने देता है? बसंत का त्यौहार था। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे, कुछ अन्य बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। मतलब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग अपना सफ़र कर रहे थे। एक छोटा लड़का खुशी से उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच से भागा जा रहा था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। उसके पिता कहते हैं, चलो चलो इधर आओ, लेकिन वह उसका ध्यान उस बच्चे का ध्यान उन खिलौने के ऊपर ही टिका रहता है जिन्हें वो राह में पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient their call, his eyes still learning on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed. In his familiar tolerant way, his mother, melted by free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? वह बच्चा उस खिलौने को लेने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करता है। वह हमेशा अपनी पिता से कहता है, पिता मुझे वो खिलौने चाहिए। उसके पिता उसे लाल लाल घूरती हुई आँखों से देखते हैं, फिर भी वह कहता है कि पिता मुझे वो खिलौने चाहिए। तब उसकी माँ उसकी उंगली पकड़कर अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है, देखो यहाँ आगे क्या है। मतलब उसका ध्यान उन खिलौने से भटकाने की कोशिश करती है। थर्ड पैराग्राफ। इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टलिंग अबाउट ऑन देयर ग्रॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he tried to catch it, but it would go faltering, flapping, and up in the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call. Come child, come, come ऑन टू द फुटपाथ। उसकी माँ जब उसका ध्यान भटका रही होती है तो वह उसे सरसों से भरा हुए खेत दिखाती है। उन खेत में सरसों के पीली पीली फूल से लदी हुई हर तरफ, उस सरसों के खेत में पीले पीले फूल आपको दिखाई पड़ते हैं और उन पीले फूलों पर मक्खियाँ मंडरा रही थीं और उन पीले फूलों के रस को चूसने में वैसे ही भंवरे इधर उधर घूम रहे थे। मतलब उसकी माँ उस प्रकृति में उसे दिखलाकर
खिलौने से उसका ध्यान भटकाना चाह रही थी। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड themselves on the edge of a well, he ran towards them. फिर उसकी माँ कहती है कि आओ मेरे साथ चलो, हमारे साथ साथ चलो, पीछे मत रहो। परंतु वह फिर भी पीछे रुक जाता है और उन कीड़े मकौड़ों को देखने में व्यस्त हो जाता है जो अपने बिलों से निकल कर धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the groove and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे ही वह लड़का उस कलियों के बौछार पर गिरता है, वह अपने माँ बाप को भूल जाता है और कलियों को अपने हाथ में समेटने लगता है। तभी एक डव यानी कि एक फाख्ता होता है, उसको हिंदी में फाख्ता बोलते हैं, बिल्कुल कबूतर की जैसा ही दिखता है वो डव उसके पास आता है और कहता है, अपने माँ बाप के पास दौड़ा आकर उसे उसके हाथों से पंखुड़ियाँ छूट जाती हैं। यानी कि जब वो डव उसके पास आता है तो क्या करता है, ये लड़का उस डव को अपने हाथों में पकड़ लेता है और भाग कर अपने माँ बाप को वो डव वो फाख्ता दिखलाने के लिए जाता है। लेकिन उसी क्रम में क्या होता है कि इसके हाथ से यह पंछी उड़ जाता है, इसकी पंखुड़ियाँ छूट जाती है और यह पंछी उड़ जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering the whirlpool of flare and felt at once repelled the fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही माता पिता और वो लड़का गांव के पास पहुंचता है तो देखते हैं कि सभी लोग मेले की तरफ जा रहे हैं। जब वे लोग भी मेले में प्रवेश करते हैं तो मेला का जो जगह होता है, एक जहां मेला लगता है, वहां पर हमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस भीड़ भाड़ से भी वो लड़का बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था और साथ साथ में उसे डर भी लग रहा था। यानी उसके मन में कौतूहल तो था, मेला देखने का कौतूहल तो था, लेकिन साथ में एक डर भी लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, That's all for today. आज के लिए इतना ही। इसका वर्ड मीनिंग आपको वीडियो के स्लाइड में मिल जाएगा, उसे लर्न करना है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स एंड डू फेयर एंड ऑफ कोर्स डू फेयर। व्हेन द स्कूल रीओपन्स आई विल चेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट गिवन बाय मी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।